तो जैसे दोस्तों मेरे पास ये एक रॉन्ग रिटर्न आया हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले इसमें आपको करना क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको करना क्या है, ये जो इसमें ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी स्पेसिफिक आपको फ़ोटोज़ में आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी मैं फ़ोटो खिंचवाता हूँ, तो देखिए फ़ोटो में ऑर्डर आईडी प्रॉपर और जो रिवर्स बारकोड के नीचे जो होता है वो सारे नंबरिंग अच्छे से दिखना चाहिए। जैसे कि मैंने ये फ़ोटो खिंचवा दिया, उसमें सारा कुछ दिख रहा है। एंड सेकेंडली अभी मीशो ने अपडेट कर दिया कि बारकोड आईडी और चाहिए। तो बारकोड आईडी क्या होती है बताना, बारकोड आईडी होती है ये जो बारकोड के नीचे होता है, ये हर एक पॉलीथिन यानी कस्टम रिटर्न की पॉलीथिन पे आएगा। तो इसका फ़ोटो और ये ज़रूर मैंडेटरी है, ये इसका फ़ोटो ज़रूर लेना है। तो इसका फ़ोटो और ले लीजिए, फोटो क्लिप कर, इसका फ़ोटो और क्लिप करना है ये, और ये पर्टिकुलर बारकोड फ़ोटो में मांगता है उस जगह पर डालना है। फिर इसको चारों तरफ से दिखाना है पार्सल को, और जो कि कैसे दिखाएंगे, फिर आपको जैसे ही आप ये बारकोड की फ़ोटोज़ वगैरह ले लेंगे और लेवल की फ़ोटोज़ वगैरह ले लेंगे, तो फिर आपको वीडियो स्टार्ट करनी है। वीडियो स्टार्ट कैसे करनी है वो बता दूँ। वीडियो आपको स्टार्ट करनी है ऑर्डर आईडी के साथ। वीडियो में आपको सबसे पहले लेवल के ऊपर अपना फ़ोन ले जाना है, और उसमें रिवर्स विल और अकाउंट का नाम और ऑर्डर आईडी और जो रिवर्स विल जो होता है वो सारा कुछ बारकोड आईडी वगैरह दिखाना है। फिर आपको फ़ोन थोड़ा ऊपर करते जाना है, जैसे कि दिख रहा होगा ये वीडियो बन रही है। और फिर इसमें आपको जो है चारों तरफ से दिखाना पड़ेगा कि पार्सल कहीं से ओपन तो नहीं किया आपने, ठीक है। तो भी ये चेक जैसा देख रहे हैं कि चारों तरफ से हमने दिखा दी इस पार्सल को। दिखाने के बाद इसे ओपन करना है, तो अभी ओपन करो उसे। और चारों तरफ से दिखा दिए, तो इसे अभी ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो भी आया होगा उसका उसे वीडियो में दिखाना है इस तरह से, और फिर उसमें बोल देना जो भी कुछ है, ठीक है। और बोलने के बाद आपको फिर वीडियो को पॉज कर देना। पॉज करने के बाद जो निकला है उसका फ़ोटो खींच लेना, दो या एक फ़ोटो आप खींच ले लीजिए और वहाँ पे अपलोड कर। मैंने अभी आपको बताया सिंपल सा करना है, किसी भी रॉन्ग रिटर्न या मिसिंग हो, आपका कुछ भी हो, आपको सारे डैमेज निकल रहा है, ऐसा ही करना पड़ेगा। आपको वीडियो कैसे बनानी है मैंने आपको दिखाया अभी, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किसी भी रॉन्ग रिटर्न या फिर मिसिंग आइटम को या डैमेज को कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो सेकंडली मैंने ये जो वीडियो है जो मैंने दूसरे फ़ोन से बनाई थी, आपको आपने देखा होगा, उससे मैंने अपने फ़ोन में व्हाट्सएप के जरिए मंगा लिया है। व्हाट्सएप के जरिए मंगाने का फ़ायदा मैं बता दूँ क्या होता है, कि किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन से आप वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे तो उसमें 50 से 60 या 100 MB या 150 MB या 200 MB तक की वीडियो बन जाती है, क्योंकि आजकल के जो कैमरा वगैरह आ रहे हैं तो वो हाई मेगापिक्सल के आ रहे हैं, इस वजह से जो वीडियो है बहुत लेंदी हो जाती है। तो अगर लेंथ कम करने चाहते हो या MB कम करना चाहते हो वीडियो की, तो व्हाट्सएप के जरिए आप अपने दूसरे नंबर पे भजवा सकते हैं, मंगा सकते हैं उसको, तो वो कम हो जाएगी। तो अभी आपको करना क्या है, जैसे कि सबसे पहले आपको ऑर्डर आईडी देखनी है कि ऑर्डर आईडी एंड क्या है इस रिटर्न का। तो ऑर्डर आईडी इसका है 105444। तो अभी मैं पैनल खोल लेता हूँ अपना। जैसे मैं पैनल में गया, पैनल में जाने के बाद मैं मेन्यू पे जाऊंगा। मेन्यू पे जाने के बाद सपोर्ट में जाना है आपको। सपोर्ट में जाने के बाद आपको रिटर्न आईडी एंड एक्सचेंज में जाएंगे। रिटर्न आईडी एंड एक्सचेंज में जाने का आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, आई हैव रिसीव्ड रॉन्ग रिटर्न। मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में ऐसा प्रोसेस बताऊंगा, आपको 100% क्लेम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैं आपको अभी दिखाऊंगा कुछ कुछ टाइम बाद ये वीडियो डालने के बाद, कि मेरा क्लेम अप्रूवल रेशियो कितना है। जैसे ही मैं आपको रेजर टिकट पर क्लिक करूँगा, और आपको भी रेजर टिकट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये आपसे मांगेंगे सब ऑर्डर नंबर, ठीक है। तो सब ऑर्डर नंबर आपको डालना है जो कि उस पर लेवल पर लिखा हुआ है। तो ऑर्डर आईडी इसमें सब ऑर्डर आईडी नंबर लिखा हुआ है इसमें 105444। तो मैं इसमें डाल देता हूँ 105444। तो दोस्तों मैंने जैसे कि डाल दिया ऑर्डर आईडी, तो अभी ये मैंने डेस्कटॉप में नहीं किया, वैसे थोड़ा ये दिखा रहा है वैलिड सब ऑर्डर नंबर नहीं है। तो मैं फिर से कॉपी करके इसे पेस्ट करूँगा, फिर से सेलेक्ट करूँगा एंड कट करूँगा एंड फिर से इसे पेस्ट करूँ, तो ये सक्सेसफुली हो जाएगा। अभी भी वैलिड नहीं दिखा रहा, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ ये ऑर्डर आईडी सही है यार। तो दोस्तों
9 करना था, 7.3 हो गया, तो मैं 7.9 कर देता हूँ। एंड जस्ट आप देखना कि हाँ ये वैलिड हो चुकी है। उसके बाद आपको स्टेट ऑफ द पैकेट में आपको इंटैक्ट डलवाना है। अगर आपने कुरियर बॉय से टेम्पर डलवाया तो आप टेम्पर सेट करेंगे। इस केस में मैंने इंटैक्ट डलवाया क्योंकि मैं देख नहीं पाया था इस पार्सल को, तो इंटैक्ट ही मैं उसने डिलीवर मार दिया। अभी आपको दिख रहा होगा पैकेट आईडी। पैकेट आईडी क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पैकेट आईडी क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको बारकोड आईडी के जस्ट नीचे जो नंबर्स होते हैं, जो कि ये नंबर्स हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो नंबर्स हैं ये आपको उसमें डालने होंगे पैकेट आईडी में, ठीक है। तो पैकेट आईडी में मैं डाल दूंगा RVPST, मैं डाल देता हूँ, तब तक के लिए पॉज कर देता हूँ। जैसे कि मैंने पैकेट आईडी डाल दिया है, ठीक है, जो सेम था वही आपको डालना है। और एंड सेकेंडली अभी आपको बारकोड इमेज मांग रहा है, यानी कि जो पैकेट आईडी आपने डाला ये जो होता है यही इमेज आपको बारकोड आईडी में, यानी कि बारकोड इमेज में आपको अपलोड करना है। जैसे कि मैं आपको अभी करके सामने दिखा देता हूँ। बारकोड इमेज पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये फाइल ओपन होगी, फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको उस इमेज को देखना है कि कहाँ पर वो किस फोल्डर में इमेज है। तो मैंने अपलोड पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये जो है मेरा बारकोड आईडी वाला इमेज है, तो मैं इसे ही इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद प्रोडक्ट इमेज मांग रहा है, जो कि मैंडेटरी है। अगर आपके पास ये बारकोड आईडी नहीं है तो आप इसे अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैकेट आईडी नहीं है तो आप इस जगह एन लिख सकते हैं, जैसे कि मीशो ने बताया हुआ है। किसी किसी पैकेट में क्या होता है कि जो है बारकोड आईडी अच्छे से नहीं शो होती या फिर मिट जाती है, तो उसमें आप एन डाल सकते हैं, फिर भी आपका क्लेम अप्रूव हो जाएगा। पर प्रॉपर आपको डालना है वीडियोस बना के। तो अभी मेरे इस केस में बारकोड आईडी है तो फिर तो मैंने डाल दी। अगर बारकोड आईडी है और आपने नहीं डाला और मीशो ने वीडियो में देख लिया कि बारकोड आईडी नहीं डाला, तो 40% केस है कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। फिर से आपको क्या करना है, इसमें प्रोडक्ट इमेज मांग रहा है तो प्रोडक्ट इमेज डालना है, यानी कि आपको जो रॉन्ग ऑर्डर में निकला हुआ है वो क्या निकला हुआ है वो डालिए आप। तो मैंने अपलोड पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरा जो प्रोडक्ट में निकला हुआ है वो आपने भी देखा वीडियो में क्या है, यह पुराना सा कोई कुर्ता है, इस पर मैंने क्लिक किया, ये अपलोड हो गया। एंड सेकंड इमेज भी मैं इसमें अपलोड कर दूंगा। तो मैं सेकंड इमेज भी मैं इसमें सेलेक्ट कर देता हूँ, इसके जस्ट नीचे वाली अपलोड सेलेक्ट की। अब ये मांग रहा है रिवर्स वेबिल डालिए। रिवर्स वेबिल का मैंने फ़ोटो लिया था, क्लियरली फ़ोटो था, सारा कुछ इसमें विजिबल हो रहा था, जैसे कि इसमें रिवर्स वेबिल का बार कोड यानी कि और आईडी दिख रहा है और आरबी रिवर्स का नंबर भी दिख रहे हैं कि क्या किससे ट्रैकिंग आईडी थी, वो सारा कुछ इसमें शो हो रहा है। तो उसमें मैं क्लिक कर दूंगा और वो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एंड एक और अगर इमेज हो आपके पास वो भी आप इसमें डाल देना, पर मैंने अभी एक ही इमेज लिया, इससे मेरा काम हो जाएगा। अगर आप दो इमेज लेना चाहते हैं तो दो आप डाल सकते हैं। एंड लास्ट रह गया इसमें ऑप्शन अनपैकिंग वीडियो, यानी कि जो हमने वीडियो बनाई थी पार्सल को खोलते हुए, उसमें आपको अनपैकिंग वीडियो डालनी है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपको ये वीडियो डालनी है। वीडियो कहाँ है वो देख लेना। तो ये वीडियो है मेरे सबसे पहले जो कि 9 MB की है, और जो मैंने उस फोन में देखा वो उस फोन में वो 80-90 MB की थी। तो मैंने व्हाट्सअप के जरिए से इसमें जो है 9 MB की रह गई है। तो मैं सबसे पहले इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही ये अपलोड हो जाएगी वीडियो। अपलोड होने के बाद डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, आपको दिख रहा होगा ये अभी अपलोड चल रहा है। अपलोड के बाद ये डिस्क्रिप्शन में मांग रहा है, तो मैं बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है। तो अभी ये अपलोड हो जाने। तो दोस्तों जैसे कि ये अनपैकिंग वीडियो अपलोड हो गई है, अभी थोड़ा मेरा वाईफाई कनेक्ट नहीं है तो इस वजह थोड़ा टाइम लग गया था, कोई नहीं। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है, जो इसमें निकला हुआ है रॉन्ग है, मिसिंग है, डैमेज है, जो कुछ भी है या यूज्ड है, वो आपको इस प्रॉपर बताना है या लिखना है। जैसे कि मैं इसमें लिख देता हूँ अभी रिसीव्ड है, रिसीव अ रॉन्ग रिटर्न, यानी कि मेरे को जो है रॉन्ग रिटर्न रिसीव हुआ है। इतना लिखने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको सबमिट का बटन दिख रहा होगा, आप इस पर तो जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये सक्सेसफुली टिकट रेज हो गई है। आपको थोड़ा टाइम बाद 3 घंटे के अंदर इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ये कहा इसमें लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि विद इन 3 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि ये अप्रूवल है या नहीं, और बहुत सारे केसों में तो 2-3 घंटे में भी अप्रूवल हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी 24 घंटे भी लग जाते हैं जब कुरियर वालों के पास अप्रूवल जाता है। तो अभी आपको करना है कि थोड़ा वेट करना है, वेट होने के बाद आपको सक्सेसफुली 100% या 90% आपको अप्रूवल रेट मिलेगा, बढ़ेगा। अभी मैं आपको अपना जो है अप्रूवल रेट दिखा देता हूँ कि मेरा जो अप्रूवल रेट कितना है क्लेम का। तो अभी मैं रिटर्न सेक्शन में जाता हूँ, रिटर्न सेक्शन में आपको अप्रूवल रेट दिखाता हूँ मेरे क्लेम्स का कितना बढ़ा हुआ है।
तो अभी कुछ दिन पहले बहुत ही डाउन था, अभी जब से मीशो ने अपडेट किया है तो अप्रूव रेट मेरा बढ़ चुका है। तो जैसे कि देख सकते हैं मैं ओवरव्यू में आया हूँ, ओवरव्यू में आपको शो हो रहा होगा 19,986 रुपये मैंने अप्रूव क्लेम कर लिया है एंड 76% का मेरे का अप्रूवल रेट है क्लेम का, यानी कि 100 100 क्लेम डाले हैं तो उसमें से 73 क्लेम मेरे को मिले हुए हैं, ठीक है। तो